मेरा नाम मानसी है। मैं आज आप सभी के सामने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माता पिता। माता पिता ही धर्म कर्म, यही जीवन का सार है। माता से मिलती धरती सी ममता, पिता से आकाश सी छाया है। पूजा जिसने इन दोनों को, उसका ही जीवन सवर पाया है। माता पिता जैसा प्यार दुलार जीवन भरना कोई देने वाला है ना। माता से बड़ा हित ऐसी कोई ना पिता सा रखवाला है। माता पिता ही हम धरती पर हमारे जीवन के आधार हैं, हम पर इनके अनगिनत उपकार हैं। आओ दोनों कर जोड़कर प्रणाम करें माता पिता को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी बच्चों के लिए। धन्यवाद। नमस्कार मेरे आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मैं रितेन कक्षा पांचवी का छात्र। मेरे भाषण का शीर्षक है मातृ पितृ पूजन दिवस। हमें माँ बाप की पूजा हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप वो है जो कोई भी नहीं हो सकता। ये हमारी रचना करते हैं, जो हमारे जन्म के बाद पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बचपन में हमें चलना सिखाते हैं, हमें ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं, हमारी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। वे खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरते हैं। ऐसे होते हैं माँ बाप। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते हम बचपन में कहीं भी सो जाते थे, जमीन, सोफे, फर्श, लेकिन जब हम उठते थे तो हमेशा अपने आप को बिस्तर पे ही पाते थे। आज देश, धर्म, जाति और पंथ सभी का यह कहना है, जीवन में कभी अपने माँ बाप का अपमान मत करो, और मातृ पितृ दिवस पर हमेशा अपने माँ बाप की पूजा करो, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, जो माँ बाप का दिल जीत जाता है, वो हमेशा कामयाब हो जाता है, वरना जो पूरी दुनिया को जीत जाता है, लेकिन वो खुद नहीं जीत पाता है, वह हार जाता है। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले माँ बाप की पूजा करो, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं देशना पांचवी कक्षा से आज आपके समक्ष एक सुंदर सी कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे प्यारे पिता। आन बान और शान है पिता घर की, वो बच्चों का गुरूर और माँ का अभिमान है। घर की महकती सी वाटिका का माली है वो, खुशहाली सुख शांति की वो पहचान है, बच्चों के लिए पिता है खिलौनों की दुकान, जब पढ़ने लगे तो पैसों का वो अंबार है। दिन रात पीस कर भी उफ तक न करे जो, ऐसा दिलदार बस पिता का किरदार है, खाना कपड़ा हो या हो कीमती खिलौना कोई, पिता के होते नहीं बच्चों को कोई गम है। पितृशक्ति की तुलना नहीं किसी से होती, वो नहीं कभी किसी भी एटीएम से कम है। सचमुच पिता बच्चों की हर मांग पूरी करने वाला एटीएम ही तो है। अपने पैरों में पहनने के लिए चाहे अच्छे जूते भी न हो, लेकिन परिवार के लिए वो कुबेर का खजाना है। ऐसा होता है पिता जिसका ऋण हम सो जन्म लेकर भी नहीं चुका सकते। ऋण न चुका सकेले जन्म सो बार भी जो, ऐसे उस पिता के सदा हम पे कर्म है। शीश पे आशीष जिसके रहे पिता का सदा, वो नहीं कभी किसी शहंशाह से कम है। विनती करती हूँ विधाता से कि सभी के सिर पर पिता का साया बना रहे
और नमन करती हूँ दुनिया के उस हर पिता को जो हम नन्हे परिंदों के लिए खुला आसमान होता है। और महोदय, मेरे तो पिता सदा ही प्रेरणा रहे हैं मेरी, ऐसे उस पिता को मेरा शत शत नमन है, ऐसे उस पिता को मेरा शत शत नमन है, शत शत नमन है। धन्यवाद।